Children, good morning of both the classes A and B section of class 6. बच्चों कल हम लोग जो है ये द क्रैंकी मैको इसका रीडिंग सुनाया गया था और आप लोग से ये बोला गया था कि आप घर में इसको पढ़ेंगे और मैंने आपसे वादा किया था कि कल यानी कि आज इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको कहानी सुनाएंगे। तो बच्चे आप अपना किताब लेकर तैयार हो जाएं। क्लास 6 के ए बी सेक्शन के दोनों बच्चे तैयार हो जाएं। द क्रैंकी मैको। मेनी डिफरेंट एनिमल्स, बहुत तरह के जानवर हैं। बोर्स एंड इवन रेप्टाइल्स आर केप्ट एज पेट्स। चिड़िया को तो हम लोग घर में पालते हैं, बहुत सारी चिड़िया को पाला जाता है। इसके अलावा इंसान जो है रेप्टाइल्स को भी एज ए पेट घर में रखते हैं। रेप्टाइल्स कौन हो गए? स्नेक, जो सपेरा है वो स्नेक रखेगा। तो रेप्टाइल्स जो है लिजार्ड जो आप देखते हैं घर में, गिरगिट, सब रेप्टाइल्स में आ गया। लेकिन यहां सपेरा की बात हो रही है। सपेरा जो है आपको वो पालता है, इसलिए वो रेप्टाइल में आ गया। डॉग्स आर पॉपुलर पेट्स एज दे आर फ्रेंडली एंड आर गुड कंपनी स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। कुत्ता जो है सबसे वफादार जानवर है। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। इसीलिए बच्चे या बड़े कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं। आप देखिए अगर आप घर में कुत्ता को वक्त से दो रोटी खिला दें, वो रात भर आपका घर का देखभाल करेगा, आपका घर का रखवाल करेगा, रखवाला करेगा, रखवाला बन जाएगा, पूरा घर को जो है वो रात भर संभालेगा। तो इसीलिए जो है डॉग को फेथफुल एनिमल बताया गया है। सम पीपल हैव कैट्स एज पेट्स बिकॉज कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट। और कुछ लोग बिल्लियां पालते हैं, कोई तो बिल्ली पालते हैं। तो बिल्ली क्या है? इंडिपेंडेंट जानवर है, वो एकदम आजाद है, वो बड़ा कंफर्टेबल लाइफ जीना पसंद करती है। उसका एक अलग कहीं जहां पर वो देखेगी नरम और कंफर्टेबल सोफा हो या गद्दा हो तो उसमें जाकर वो बैठ जाए। इसीलिए जो है यह इंडिपेंडेंटली का भाषा इस्तेमाल है। पैराकिट्स कैन बी ट्रेन टू टॉक। और ये जो पैराकिट्स क्या है, पैराकिट्स हो गया तोता, पैराकिट्स क्या हो गया तोता, और उन्हें जो है आप चाहेंगे तो बोलना सिखा सकते हैं। इन ओल्डर डेज सेलर्स एंड पैरट्स हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सी यूज्ड टू कीप पैराकिट्स एज पेट्स। पहले जमाने में जो लोग जो जहाजी सेलर्स जो जहाजी हमेशा पानी के जहाज में रहते थे, या पैरट्स, पैरट्स उसे कहते हैं जो जहाज में चोरी चमारी करते हैं, पैरट्स उसे कहते हैं, वो हमेशा क्या करते थे, एक पैराकिट पालते थे यानी कि एक तोता पालते थे। एक तोता पालना उनके लिए बहुत फायदा होता था और बहुत उन्हें अच्छा लगता था और इस तोते में बहुत खूबी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए सेलर एंड हिज पेट अ मैको। ये कहानी एक जहाजी का है और उसका एक पेट मैको यानी कि तोता का। ओल्ड सेलर जॉनी जे लव द सी, यानी कि जॉनी जे एक उम्र दराज से मतलब जैसे मान लीजिए 50 प्लस ओल्ड सेलर, इसलिए बोला गया बहुत पुराना सेलर है, काफी उसको तजुर्बा है, इसलिए जो है ओल्ड सेलर जॉनी जे लव द सी, वो हमेशा जो है
समुद्र को बहुत प्यार करते थे। फ्रॉम द ईयर ही टर्न 12, जब वो 12 साल की उम्र के हुए, ही स्टार्टेड सेलिंग, वो जो है चारों ओर अपना समुद्र यात्रा करना शुरू किए। सिंस देन इट हैज बीन 66 ईयर, और तब जो है उनकी उम्र 66 साल हो चुकी थी। ही हैज सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो जो है लगभग पूरा दुनिया के चारों ओर जो है वो पानी जहाज से घूम चुके हैं। ही हैज सीन मेनी कंट्रीज, और ना जाने कितना सारा मुल्क जो है वो देख चुके हैं। बट द सी वॉज हिज होम, लेकिन समुद्र ही जो है उनके लिए घर था। ही डिड नॉट लाइक टू लिव ऑन द लैंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो कभी भी जो है लैंड में रहना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए हम लोग लैंड पे रहते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा पानी जहाज में रहते हैं तो वो तो समुद्र में है, तो उनका लाइफ एक अलग लाइफ है, और हम लोग जो लैंड में लाइफ लीड करते हैं तो हम लोग का लाइफ एक अलग लाइफ है। और वो 12 साल की उम्र से जो है समुद्र यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें जो है हमेशा समुद्र ही पसंद है, उन्हें लैंड में रहना पसंद नहीं था। He had a small cabin on an island of Guiana, where he chose to stay instead with his family, which lived on a nearby island. और उनका एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था, कहाँ पर? Guiana, एक द्वीप में, और उसी में वो रहना पसंद करते थे। ये कैबिन जो है देखिए लकड़ी का बना हुआ है, कैबिन का मतलब छोटा सा घर या छोटा सा चेंबर, उसी को कैबिन कहा जाता है। लेकिन वो परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करते थे, जबकि वो करीब के द्वीप में रहते थे। वो परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करते थे, वो सिर्फ अपना कैबिन में गुयाना में रहना पसंद करते थे। तो यहां तक हम लोग का रीडिंग हुई थी। तो बच्चों आगे में जो है फिर हम आपको रीडिंग पढ़ा दे रहे हैं, जो आपको घर में पढ़ना है सब किताब में देखिए। जॉनी जे हैज हैड ओनली वन कांस्टेंट फ्रेंड ओवर द इयर्स, क्रेजी पुट एज ही वाज नोन, स्पोक लाइक ए मैन बट विद अ वेरी और शेकिंग टोन। क्रेजी पुट एंड जॉनी जे बोथ लव द सी एंड लाइक ऑल सेलर्स enjoyed their own company. Meeting people always made them cranky. But what made Crazy Cook really special was that he was a Mako, a kind of South American parrot. His plumage and tail feathers were scarlet in color. The rump of light blue and the upper wings of yellow. Macaws are very intelligent and can be taught to speak. Crazy Cook had a bad temper, and when irritated, he would shout almost like humans. He loved watching old movies with Johnny Jay and could imitate sounds of gunfire. He could also speak some dialogues from some movies. अब पेज नंबर 2 में जाएंगे, मूवीज में टिक दे देंगे। आज का रीडिंग यहां तक आपको दिया गया, और ये रीडिंग आप घर पर देंगे, फिर कल इसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। और दूसरी बात है कि WhatsApp ग्रुप में अगर मान लीजिए आपको वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है डायरेक्ट हमारा चैनल है, आप YouTube में जा करके अगर लिखेंगे असफ अली और सर्च में डाल देंगे, हमारा फोटो आएगा, बाय बटन में उस पर टच कर देंगे, पूरा वीडियो खुल जाएगा। आप जिस क्लास के बच्चे हैं, आप उस क्लास का वीडियो से अपना पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं बच्चे।